नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। तो ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है, तो मेरे फ्रेंड ने कमेंट करके बोला था कि अपने चैनल पे बिरयानी बनाइए, तो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। कैसे मैं बनाऊँगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज है बिरयानी, यानी कि हम लोग आज चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले चिकन को मैरिनेट कर ले रही हूँ। तो मैरिनेट के लिए मैं सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 4-5 बड़े बड़े लहसुन और 2.5 इंच अदरक जो मैंने पीस लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर। अब मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं साथ ही साथ डालूंगी इसमें धनिया और पुदीना, और डाल रही हूँ मैं 2 तेज पत्ते और दालचीनी, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची, और इसमें साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालूंगी कुछ इस तरह से। अब हमें इसे इसमें डालना है 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मैं हाथों से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही, फ्रेश दही लेना है हमें, और डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच, और साथ ही साथ मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर रही हूँ मैं इसे अच्छे से, और इस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं 1 चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में हरी मिर्च में ऐसे डाल के इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो मैं पानी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालूंगी देख लीजिए। मैं सबसे पहले इसमें लवंग डाल रही हूँ, छोटी इलायची, दालचीनी डाल रही हूँ, और तेज पत्ते और काली मिर्च, और ये जो मैंने रस निकाला था ना नींबू का, ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने बासमती के 1 किलो चावल लिए थे, इसे मैंने भिगो लिए थे 10 मिनट के लिए, तब मैं ये इसमें डाल रही हूँ टॉप में, यानी कि पानी में। तो मैं इसे बॉईल करूँगी, बस हाफ बॉईल करना, यानी कि 50%। देखिए उबल रहा है, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और फिर इसे ढक दूंगी। मैं याद रहे कि बस इसे हाफ कुक करना है, ज्यादा नहीं पकाना है। जी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तेजपत्ता, तेल गरम हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूंगी। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, नमक हमें कमी डालना है, और इसे अच्छे से चला ले रही हूँ, क्योंकि चावल में हम लोग नमक डाले थे तो इसमें कम ही डालना है। तो इसे पकने देते हैं, अब बॉइल्ड हुआ चावल उसे हम निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसे छान ले रही हूँ, मैं इस छन्नी पे ही छान ले रही हूँ। तो मैं इसे फैला दूंगी फिर, तो ऐसे करके मैं सारा निकाल लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने चावल को फैला लिया है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब मटन को देख लेते हैं कैसा पक रहा है, यानी कि चिकन। फ्रेंड्स ये देखिए, चिकन कुक हो रहा है, तो मैं इसे 1 सीटी के लिए पका लूंगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए, चिकन है जो कुक हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, चिकन कुक हो चुका है, तब मैं इसमें चावल ऐड करने वाली हूँ, और उससे पहले मैं कुछ ये चिकन ना मैं लेयरिंग के लिए निकाल ले रही हूँ। मैं इसमें चावल डाल दे रही हूँ, तो मैंने ये चावल की लेयर लगा ले रही है, और ये है अनियन, ये 1/2 किलो प्याज है जिसे मैंने एकदम
करारा इसे तेल में फ्राई कर लिया था, तो मैं इसकी एक लेयर लगा दूंगी कुछ इस तरह से। और मैं इसमें डालूंगी धनिया पुदीना की लेयर और थोड़े से काजू, और फिर से इसके ऊपर मैं चावल की लेयर लगा लूंगी। तो फिर से एक चावल की लेयर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। हमें चावल को चलाना नहीं है, बस ऐसे ही लेयर इसकी लगाने जाना लगाते जाना है। चिकन डाल दिया मैंने, और वैसे ही फिर से करना है। और धनिया पुदीना काजू, तो मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, तो फूड कलर की भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। अब इसे मैं तो मैंने बंद कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। वेल दोस्तों, बिरयानी पक चुकी है, मैंने गैस को बंद कर दिया है, तो अब इसे खोल के देख लेती है ये कैसा हुआ है। ढक्कन खोल लिया है, बिरयानी पक चुकी है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड थी, कब से बोल रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ, तो ये बिरयानी बन गई है, सर्विंग के लिए तैयार है। तो ये देखिए, मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। चिकन बिरयानी मेरी रेडी हो गई है, खाने के लिए तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वेल फ्रेंड्स, ये बिरयानी तो रेडी हो गई है, तो खाने के लिए फटाफट आ जाइए। तो मेरे जैसे बिरयानी बनाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।